हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, सिद्धार्थ निगम ने अवनीत कौर के सॉन्ग के फर्स्ट पोस्टर पर क्या रिएक्ट किया है, क्या कमेंट किया है, इस पर मैंने एक वीडियो आज सुबह बनाया था, लेकिन वीडियो में कुछ एडिटिंग मिस्टेक होने के कारण वो मैंने यूट्यूब से डिलीट कर दिया है। सो इसीलिए इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपको वो बात बताऊँगी, साथ ही एक एडिशनल क्वेश्चन भी जो आप लोग पिछले वीडियो के कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि #WeLoveSydney कल ट्विटर पर ट्रेंड हुआ और नंबर 1 पर भी आया, फिर भी सिद्धार्थ निगम एंड अवनीत कौर ने उस पर कोई रिएक्ट क्यों नहीं किया है। मेरे समझ से इसका आंसर क्या हो सकता है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अवनीत कौर की वो पोस्ट जिसमें उन्होंने सॉन्ग का फर्स्ट पोस्टर शेयर किया था। सिद्धार्थ निगम ने अवनीत कौर की इस पोस्ट को लाइक किया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि सिद्धार्थ निगम ने अवनीत कौर की पोस्ट पर कुछ कमेंट नहीं किया था, लेकिन फ्रेंड्स, इस सॉन्ग में अवनीत के को स्टार रहे अकुल की पोस्ट पर उन्होंने कमेंट किया था और उनकी पोस्ट को लाइक किया था। तो चलिए आप लोग देख लीजिए अकुल की वो पोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सिद्धार्थ निगम एंड अवनीत कौर दोनों के ही लाइक हैं इस पोस्ट पर। साथ ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सिद्धार्थ निगम का कमेंट, उन्होंने क्या रिएक्ट किया है सॉन्ग के फर्स्ट पोस्टर पर। एंड फ्रेंड्स, क्योंकि सिद्धार्थ निगम तो अकुल को फॉलो नहीं करते हैं, ना ही इससे पहले उनके किसी सॉन्ग पर सिद्धार्थ निगम का कमेंट आया है, सो आप कह सकते हैं एक तरह से कि इस वीडियो से, इस न्यूज़ से आपको #Sydney की वाइब्स मिल रही हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब सिद्धार्थ निगम अवनीत कौर को सपोर्ट करते हैं और अवनीत कौर भी सिद्धार्थ निगम के कुछ वीडियोज़ पर लाइक एंड कमेंट करती हैं, जैसे कि रिसेंटली जब लग दी कसम सॉन्ग पर सिद्धार्थ निगम ने एक रील्स बनाया था, तब अवनीत ने उस पर कमेंट किया था, फिर भी उन्होंने #WeLoveSydney जब ट्विटर पर ट्रेंड हुआ तो उस पर कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मेरी समझ से इसका आंसर हो सकता है कि वो इस समय सिडनी वर्ड का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ निगम ने जब लग दी कसम सॉन्ग पर रील्स शेयर किया था, तब उन्होंने अवनीत कौर को टैग तो किया था, पर पहले की तरह #Sydney का यूज़ नहीं किया था। सो मेरे हिसाब से अभी उनके करंट में जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पर कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए, इस बात के कारण वो लोग अभी सिडनीत वर्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही अवनीत कौर, ना ही सिद्धार्थ निगम। यही एक रीज़न हो सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, आप लोगों को सैड होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थ निगम एंड अवनीत कौर ने अगर रिएक्ट नहीं किया तो क्या हुआ, उन्होंने फैंस के इस लव को देखा तो है। एंड सिर्फ सिद्धार्थ एंड अवनीत नहीं, ट्विटर पर तो कई लोग एक्टिव रहते हैं, उन्होंने भी देखा होगा। टेली अकाउंट्स ने भी इस बात को पोस्ट किया है कि सिद्धार्थ निगम एंड अवनीत कौर के फैंस एक साथ उनकी जोड़ी को ऑन स्क्रीन मिस कर रहे हैं, सो उन्होंने ये #WeLoveSydney ट्रेंड किया है। एंड इस बात से सिडनी की जोड़ी की पॉपुलरिटी और भी लोगों को पता चली होगी, सो इस बात का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, फ्यूचर में सिडनी को साथ में कई वर्क्स मिल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।